गाने के माध्यम से हम अपने मिशन को आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आज इन लोगों का साथ नहीं दिया गया तो फिर शायद दूसरा कोई इंसान खड़ा नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं तो साथ में हूँ, आप लोग भी साथ में रहें, सब लोगों को। संदीप वाल्मीकि जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी उस दिन लाइव किया था, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है वो भी इस पर लाइव करें। रवि गौतम हैं और सतपाल नवाब सतपाल तंवर हैं, बहुत सारे लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जितने भी समाज में लोग काम करते हैं सभी लोग मदद कर रहे हैं। सभी साथियों का क्रांतिकारी जय भीम। साथियों में एडवोकेट सुजीत सम्राट। आज हमें सपना बौद्ध और विशाल गाजीपुर जी के साथ उनके घर पर आए हुए हैं। आपको पता ही है कि पूरे देश के लोग उनको कितना मोहब्बत कितना प्यार करते हैं, मगर कुछ चंद लोग उनको धमकी भी देने का काम कर रहे हैं। ये हैं विशाल गाजीपुर, सपना बौद्ध जय भीम। ये 2 साल का इनका बेटा है विराट जी। अब लोग धमकी दे रहे हैं, मैं रात यहीं पर था, सुबह भी लोग धमकी दे रहे थे कि भाई तुमने गाना क्यों खाया, ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए था। तो इन लोगों को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब गाने से प्रॉब्लम नहीं है, इनको हर चीज़ से प्रॉब्लम है। इनको अच्छे कपड़े पहनने से प्रॉब्लम है, अच्छे घरों में रहने से प्रॉब्लम है, अच्छी गाड़ी में चलने से प्रॉब्लम है। अब इनकी प्रॉब्लम के लिए तो हम लोग नहीं है ना, क्योंकि देश में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जितने भी काम कर रहे हैं वो देश के संविधान के माध्यम से काम कर रहे हैं। भारत का संविधान है ये, भारत का संविधान हम देने भी आए इनको। तो अब ये बात करेंगे आपसे, सबसे पहले तो मैं विशाल जी से कहूँगा कि वो भी आपसे कुछ गुजारिश करें। जी साथियों, आज हम लोग एडवोकेट परम श्रद्धे सुजीत सम्राट सर के फेसबुक से लाइव हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं सभी लोगों को विशाल गाजीपुरी और मैडम सपना बौद्ध और मेरा बेटा विराट जी की तरफ से नवोदय जय भीम। जय भीम। साथियों, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि हम लोग पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे आज हम लोग डिस्टर्ब हैं इन जो है कि अंधभक्तों से, जो बीजेपी के जो अंधभक्त हैं जिनको नहीं दिख रहा है, आँख पे लेप लगा रखे हैं, आँख पे पट्टी लगा रखे हैं, वो पूछ रहे हैं बार बार कि देश से क्या क्या बिक रहा है, मोदी जी क्या क्या बेच दिए। गीत में मैंने किसी का नाम तक भी नहीं लिया है, लेकिन पता नहीं कि उनको इतना चुभ रहा है। पूरे देश के लोग इस गीत का समर्थन कर रहे हैं, पूरे देश के लोग, सर्व समाज के लोग अपना लोग कह रहे हैं विशाल जी आपने सोती हुई कौम को जगाए, बड़ा शानदार गीत है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या चीज चुभ रही है, क्यों मिर्ची लग रही है। कहा जाता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, यह स्थिति है। साथियों, हम लोग तो इस देश के लिए अपने समाज के लिए पूरे जीवन को लगा दिए हैं। मेरा बेटा जी भी आपके सामने है, मैं बेटा जी को भी आप लोग के सामने रख दिया हूं, और जो भी करना है आप लोग करना है कि मैं क्या गलत किया हूं, क्या मैं सही किया हूं। आया देश विक्रेता गाना को लेकर के पूरे देश के लोग के अंदर खलमली मची हुई है कि विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध ने बहुत बड़ा काम किए हैं। ये इस गीत को आप लोगों ने बहुत काफ़ी मोहब्बत दिए, इस गीत को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल आप लोगों ने पहुंचा दिए। विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध को यहाँ पे लाए आप लोग, और मेरे साथ जो कि इतना मोहब्बत है परम श्रद्धे एडवोकेट सुजीत सम्राट सर का कि आप दिल्ली से, बस एक कल बात हुई, परसों बात हुई कि मैं तुरंत टिकट करता हूँ, आप तुरंत फ्लाइट का टिकट करा करके तुरंत चले। एक टिकट एक इनका कैंसिल भी हो गया फ्लाइट, लेकिन फिर दोबारा करके और दिन भर वेट किए। इस प्रकार से ये मोहब्बत है और ये सपोर्ट है। आप दिल्ली से चल करके आए, रात में 12 बजे हमारे यहाँ पहुँचे, और 12 बजे पहुँचने के बाद बेटा जैसे कर दीजिए, अच्छा 12 बजे हमारे सर पहुँचे, और 12 बजे पहुँचने के बाद हम लोग खोज खबर लिए, और हम लोग रात भर 2 ढाई बजे तक हम लोग आपस में बात विचार किए। 2 ढाई बजे तक हम लोग बैठ करके साथ में डिस्कस किया गया कि क्या करना है आगे, क्योंकि काम तो ठान दिया गया है, इस देश में क्रांति लाना है। और बहुत मुझे खुशी है कि आज हमारे सभी संगठन के लोग, सभी अपने मूल निवासी समाज के लोग
आज एक होकर के इस कारवा में हाथ बिठा रहे हैं। विशाल गाजीपुरी सपना बोध की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इन अंधभक्तों का जो धमकी आ रही है, इन लोगों से मुझे कोई डर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है, लेकिन मैं लंबा जीऊंगा तो लंबा काम करूंगा। इसलिए साथियों, आप लोग अपना सपोर्ट, आप लोग मोहब्बत बनाए रखें। हम लोग तो आप लोग के सामने हैं, हम लोग तो अपने जीवन समर्पित कर दिए मिशन के लिए। नहीं बिल्कुल, जैसे मैं आपको आया था यहाँ पर देखा तो ये पूरे रूम है, 8x8 का रूम होगा, यहीं रुके रात को। लाइफ तो बड़ी कॉम्फर्टेबल लाइफ है, बट आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, सारा कुछ है, जरूरत है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों की, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इनकी मदद करें। अब मैं सपना जी से कहना चाहूँगा कि वो भी अपनी बातों को रखें। जी साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और हम मिशन गायिका सपना बोध की तरफ से जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी फिर से जय भीम। और बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग आकर हम लोग का उत्साह बढ़ा रहे हैं, और हमें उनसे डर नहीं है, हमें बचना है क्योंकि हमें लंबा काम करना है समाज में, और उनसे डरते नहीं है। आप लोग फोन लगा कर कह रहे हैं कि विशाल जी डरिए मत, तो सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम डर नहीं रहे हैं। अगर चार लोग डराने वाले हैं तो 10 लोग मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे डरने की कोई बात ही नहीं। और सर हमारे घर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रात को सर 12 बजे यहाँ पर आए, और आज हम लोग सर के फेसबुक से ऑनलाइन है, चुप कर रहा है सर। अरे बेटा कोई बात, हाँ चलो छोड़ी चले जाएगा, चले थोड़ा सा। और हम लोग का जो गाना हम लोग गाए हैं, आया देश विक्रेता, उसको लेकर आप लोग सुने हैं और देखे भी हैं कितना डिस्टर्ब हुआ, कितना दिक्कतें आई, लेकिन हम लोग डरे नहीं, क्योंकि हमारे सभी समाज के लोग, सभी बहुजन समाज के लोग हमारे साथ थे। और लोग फ़ोन करके बोल रहे थे विशाल जी डरिए मत, हम आपके साथ हैं। और हमको लगता है लगभग लगभग सभी लोग हमारे घर पर आ चुके हैं, आज सर आए हैं, और बीमारी के लोग, घर बाहर ले जाओ, बहुजन समाज पार्टी के लोग, और हाँ भीम सेना के सर आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर, और नीली क्रांति, सॉरी नीली क्रांति के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो लोगों से ये कहना चाहता हूँ, देखो आप सब लोग मदद करें, और हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, ये दिल्ली में बैठ के बात की थी, हमें लगा कि जाना चाहिए, यहाँ का देखा इसी से देखी तो बहुत ही सही सिचुएशन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता ही है कि सरकारें किन लोगों की चल रही हैं, कौन लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। तो जो मिशनरी गायक हैं हमारे बहुत कम हैं, और विशाल गाजीपुर सपना बोध आपने देखा है कितना कमाल का गाया उन्होंने, उनकी इच्छा है पूरे देश में काम करने की, उनकी इच्छा है लोगों को जगाने की, गाने के माध्यम से हम अपने मिशन को आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आज इन लोगों का साथ नहीं दिया गया तो फिर शायद दूसरा कोई इंसान खड़ा नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं तो साथ में हूँ, आप लोग भी साथ में रहें, सब लोगों को, संदीप वाल्मीकि जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी उस दिन लाइव किया था, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है वो भी इस पर लाइव करें। रवि गौतम हैं, और सतपाल नवाब सतपाल तंवर हैं, बहुत सारे लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जितने भी समाज में लोग काम करते हैं सभी लोग मदद कर रहे हैं उनकी, और सबको करनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मिशन का काम किया है। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनकी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी मदद करें। और राहुल लाखपाल जी ने भी फ़ोन किया था, हमारे जितने भी नीली क्रांति के लोग हैं सब लोग बड़े चिंता में थे, और डीपी मौर्य साहब हैं वो बड़ी चिंता में थे, उन्होंने भी बोला कि भाई आप जाए वहाँ पर और हम जितनी भी मदद हो पाई करेंगे। तो मेरी तो आप सब लोग से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करें, क्योंकि आप मदद करेंगे तो इनको मजबूती मिलेगी, और इनको मजबूती मिलेगी तो और ज़्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि जब इंसान को मजबूती मिलती है तो ज़्यादा काम कर पाता है, नहीं तो जो लोग हैं वो हावी हो जाएंगे। तो फिर हम एक ऐसे गायक और गायिका जो मिशनरी है उनको कहीं ना कहीं हम खोने का काम करेंगे, क्योंकि अगर वो चुप बैठ गए, डर के बैठ गए तो फिर काम नहीं बन पाएगा। ये समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज का दायित्व है कि समाज आगे आए और समाज मदद करे। उनकी बहुत सारी वीडियो भी हैं, इस वीडियो के जब अपने चैनल पर लगाएंगे तो यहाँ भी वो अपना अकाउंट नंबर दे देंगे, तो उस अकाउंट नंबर में कुछ भी दें, जो भी मदद कर सकते हैं आप मदद करें, क्योंकि आप मदद करेंगे तो जब ही आगे बढ़ पाएगा कारवा, नहीं कारवा नहीं बन पाएगा। क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सिचुएशन को जानता हूँ अच्छी तरह, बहुत सारी बातें हैं जो मैं
फेसबुक से मैं ऐसे नहीं बता सकता आप लोगों को, आप समझदार हैं, आप समझें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करें, क्योंकि आज उनको जरूरत है, उनका 2 साल का बच्चा है, वो भी बीमार चल रहा है, बुखार था रात भी उनको, तो आप लोगों की जिम्मेदारी भी है ये कि भाई आप लोग मदद करेंगे और आगे इस कारोबार को बढ़ा के रहेंगे। और भी कुछ बाकी सब ठीक है, आप लोग अपना मोहब्बत बनाए रखें और इसी प्रकार से, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारे गाने हैं जिस गाने से और काफ़ी अलग अलग टॉपिक पे है, अभी अभी एक गाने हम लोग के और इसके बाद रिलीज होंगे, मैं इसको थोड़ा सा गा दे रहा हूँ आपको, कर दीजिए। एक बार अच्छा गाना बताया, आप गा रहे थे रात बार बन के भाई आप, हाँ आप देख सर देख रहे हैं कि इस देश में किनकी चल रही है, संसद से सड़क तक सब लोग वही बैठे हुए हैं, हम लोग को न्याय कहाँ से मिलेगा, और अपने लोग भी हैं तो अपने लोगों को कहाँ पर रखा गया आपको पता है, अगर हमारे समाज के लोग अगर संविधान ना पढ़ें, जिससे हमारे सर संविधान को पूरे बढ़िया से पढ़े हुए हैं, तो आज हम लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कल के डेट में अगर ये मेरा संविधान अगर नहीं रहेगा, ये संघीय सरकार, ये लोग सोचते हैं कि सरकार ये संविधान को बदल दें, संविधान अगर बदल जाता है उसके बाद क्या हम लोग का होगा, उस समय की बात है और इस समय की बात है। आइए मैं एक छोटा सा लाइन में आप गीत सुनाऊंगा, गीत रिकॉर्डिंग हो चुके हैं, जल्द ही आप लोग के बीच गाना जाएगा। कहना है कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, चारों तरफ है मनुख के बच्चे, बन के न्याय के दाता बैठे, और जिधर जाओगे कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। आगे है न्याय की गलियों चपरासी से लेकर मुनसप तक, और केवल मनुवादी ही मिलेंगे संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, कैसे लड़ेगा जो भी तुम्हारी होगा वो भी टीका धारे, कैसे लड़ेगा जो भी तुम्हारी होगा वो भी तिलक धारी, सिर्फ उल्टे ही जाओगे कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। ये गीत जल्दी आप लोग के बीच आएगा, बहुत बढ़िया गाना है, तो बहुत अच्छा गाना बनाया उन्होंने, बहुत सारे और भी गाने हैं जो जी दोनों लोग गा रहे हैं, तो हमारे भाई हैं विशाल गाजीपुरिया और हमारी बहन सपना बौद्ध, उनको मदद की जरूरत है, मदद करें, और बहुत ही ताकतवर लोग हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ताकतवर लोग हैं, जुझारू लोग हैं, इनको इनके यहाँ पर आकर लगा मुझे भी कि हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, सब सुविधा है, सारी लोग बिना सुविधा के इतनी बड़ी क्रांति करना बहुत बड़ी बात है, तो जो लोग भी बैठे हुए हैं घरों में, उनकी ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों को प्रमोट करें, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ाएंगे, आप मनोबल बढ़ाएंगे, तो बहुत कारोबार आगे पहुंच पाएगा, और सब लोग ही क्रांति नहीं करते, ये लोग क्रांति कर रहे हैं और ज़बरदस्त लोग हैं, ज़बरदस्त, हाँ माइंड ब्लोइंग, क्योंकि इनका संघर्ष देख के लगता है कि कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, और मगर आज इन लोगों को मदद की जाए तो मदद करना है आगे। सपना जी कुछ कहना चाहती है तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि हम लोग गाना गाए हैं तो इससे आप लोगों को दिक्कत है तो हो, हमें जो करना था हम कर दिए हैं, आपको जो करना है करिए, और एक छोटा सा गाना हम भी अपने समाज के लिए गाऊंगे और उनको एक छोटा सा संदेश इस गीत के माध्यम से पहुंचाना चाह रही हूँ अपने समाज के लोगों को। तो एक छोटा सा गीत है कि जागो जागो भीम दीवानो देश को बचाओ, जागो जागो भीम दीवानो देश को बचाओ, संविधान खतरे में ध्यान तो लगाओ आवाज तो उठाओ, संविधान खतरे में ध्यान तो लगाओ आवाज तो उठाओ, जागो जागो भीम दीवानो देश को बचाओ, जागो जागो भीम दीवानो देश को बचाओ, आन पड़ी आन
आन पड़ी आज इम्तिहान की घड़ी है, वक्त बहुत थोड़ा चुनौतियाँ बड़ी है। आन पड़ी आज इम्तिहान की घड़ी है, वक्त बहुत थोड़ा चुनौतियाँ बड़ी है। मिल के जोर साथ में 85 का लगाओ, आवाज तो उठाओ। मिल के जोर साथ में 85 का लगाओ, आवाज तो उठाओ। जागो जागो भीम दीवानो देश को बचाओ, जागो जागो भीम दीवानो देश को बचाओ, जागो जागो भीम दीवाने देश को बचाओ। ये आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जागेंगे जब ये अधिकार बचा पाएंगे, और ये संविधान में जो तुम्हारे अधिकार हैं, इस संविधान के अंदर जो तुम्हारे अधिकार हैं वो जब भी बचा पाओगे। इस संविधान में तुम्हारे सारे अधिकार हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, और ये संविधान ही आपको बचा पाएगा, आपके बच्चों के भविष्य को बचा पाएगा। ये लड़ाई तो चलती रहेगी, और इन लोगों को क्या धमकी देना, मैं उनको धमकी देने वालों को बोलना चाहता हूँ कि आपको धमकी देनी तो हमें धमकी दो, हम देखते हैं तुम लोगों को। ये ना बहुत सारे लोग हैं, मेरा नंबर भी है 9582905506, जिसके बाप की औकात देना धमकी, हम देखेंगे धमकी इनको क्यों दे रहे धमकी। ये तो गायक लोग हैं, ये तो अपनी बात को कहने वाले लोग हैं। अगर तुम्हारे इतना ही ज्यादा ताकतवर हो तो दे धमकी हम लोगों को, हम देखेंगे तुम लोगों को तुम कैसे धमकी डालने वाले हो। या डरते नहीं है यहाँ पे, जैसे विशाली ने बोला मरने से नहीं डरता कोई भी, जो भीम का सैनिक हो मरने से नहीं डरता है। हम इस देश के अंदर बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, बदलाव के लिए काम करते रहेंगे, और जब तक काम करते रहेंगे, जब तक शरीर के अंदर आखिरी बूंद है, ब्लड की आखिरी बूंद है, सांस है, जब तक काम करते रहेंगे। ये हमारा मिशन है, इस पर हम काम करते हैं। किसी को मिर्ची लग रही है, किसी को क्या लग रहा है, वो उनकी प्रॉब्लम से आप अपने आप को सुधारो। आपके क्योंकि बाबा साहेब जब गोल में सम्मेलन में गए थे तो लोगों की हालत खराब हो गई थी, और एक छोटा सा गीत विशाल सर का था कि साहेब जी हो जब बोले गुर्रा के, ओही गुल में जावा में शेर कौनो माँ के, ओही गुल में जावा में शेर कौनो माँ के, करे जावा हो निक निक लोग के फाटे, करे जावा हो निक निक लोग के फाटे, साहेब जी हो जब बोले गुर्रा के। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय नीली क्रांति, जय नीली क्रांति। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा।